हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि बाइक अभी चल चुकी है 1,00,000 किलोमीटर प्लस और अब करवानी है मुझे इसकी सर्विस। साथ में इसके अंदर झटके बहुत लग रहे हैं, जो ये कोन कटोरी होती है वो चेंज करवानी है और इंजन में मोबिल लीकेज है वो चेंज करवाना है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ किशन जी की शॉप पे और बाइक का लगभग ये फ्रंट का जो हिस्सा है ये खोल दिया है। ये कोन कटोरी का जो ये बेरिंग होता है ये बिल्कुल ख़त्म है, इसके अंदर पानी वगैरह जाने से ये बिल्कुल ख़राब हो चुका था। सोकर वगैरह निकाल रखे हैं, ये यहाँ पे खुला हुआ है और इसके अंदर ये बेरिंग डलने वाले हैं हीरो के जेन्युइन। MRP है इस पर 410 रुपये करीब, ये देख सकते हैं आप, इस पर लिखा हुआ है हीरो जेन्युइन पार्ट। और इसके अंदर ये वाले ये बेरिंग है जो हैंडल का जो बीच में होता है उसके ऊपर और नीचे दोनों ये बेरिंग सेट होते हैं। अब इसमें जो ये नए वाले बेरिंग है ये ठोक करके फंसाए जा रहे हैं बड़ी ही सेफ्टी के साथ। और अब ग्रीस लगा करके नीचे से इस रोड को पुश किया जाएगा और सेट किया जाएगा। अभी बाइक में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, छोटी छोटी गड्ढों के अंदर ये बहुत कट कट की आवाज़ आ रही थी, बिल्कुल इरिटेट था वो। अभी बाइक की गर्दन टेढ़ी से सीधी की जा रही है। मैंने वीडियो बहुत ही शॉर्ट बनाया है, जो कैप्चर मेन थे, जो मेन मेन चीज़ें थी वो कैप्चर की हुई है। अभी एयर फिल्टर खोल लिया गया है और इसको साफ़ किया जा रहा है। इसके अंदर ये फोम वाला जो एयर फिल्टर है वो है, पहले इसके साथ गत्ते वाला आया था वो मैंने निकलवा दिया था, वो चोक हो जाता था कुछ 1 किलोमीटर पे। और यहाँ से मोबिल टपकता रहता है, बाइक टेड स्टैंड पे खड़ी होती है तो मोबिल गिरता रहता है, इसीलिए यहाँ से सील चेंज होएगी। इसमें जो कॉस्ट आएगी वो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में क्या क्या कॉस्ट आएगी। और इसके अंदर वाल्वो लाइन का ये इंजन ऑयल डलेगा, अभी डालेंगे किशन जी इसके अंदर इंजन ऑयल। मैं इससे पहले सर्वो का डलवाता था इसके अंदर इंजन ऑयल और अब की बार ये चेंज कर देखते हैं इससे कितनी स्मूथनेस आती है गाड़ी में। ये फोटो आप देख सकते हैं, ये वाला इंजन ऑयल है। दोस्तों अंधेरा बहुत हो चुका है और 6 बज चुके हैं, आगे वीडियो पॉसिबल नहीं होगा। इसके अंदर कोन कटोरी बेरिंग डले हैं, सर्विस हुई है और इंजन के अंदर जो लीकेज थी वो प्रॉब्लम ठीक की गई है। और इस पे टोटल ये मैंने चिट लगाई हुई है, इस पर देख सकते हैं कौन सेट लगाया है हमें 380 रुपये का। सील किट है वो लगी है 70 रुपये की और ये 10-10 रुपये के कोई रबड़ है। और 300 रुपये का लगा है इंजन ऑयल, टोटल हो गए 770, 280 रुपये लेबर और 1050 रुपये आज खर्चा आया है बाइक पर। बाइक इस वक्त चल चुकी है 1851, इसमें 1,00,000 और ऐड कर लेंगे हम क्योंकि 1,18,51 चल चुकी है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।